ये क्या ये माना जाए कि ये नई बीजेपी है? मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए मैं बार बार इस प्रश्न पर इसलिए वापस लौट के आता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति भारतीय परंपराओं की बात करती है, मूल्यों की बात करती है, और हमारी भारतीय परंपरा भारतीय संस्कृति भारतीय मूल्य में भगवान राम का भी जिक्र है कि जब एक मामूली सी टिप्पणी किसी ने की थी और उन्होंने सीता जी की अग्नि परीक्षा करा ली थी, और उसके लिए और अगर जो भगवान राम को मानने वाले लोग हैं तो शायद उनके मूल्यों को भी मानते होंगे, इसीलिए प्रश्न उठता है कि भाई ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती, या तो भगवान राम के साथ नहीं है फिर ये ढकोसला नहीं होना चाहिए। लेकिन आज तो राम के उस फैसले पर ही सवाल उठते हैं ना आशुतोष जी। मैं उसकी बात नहीं करता, जो सवाल खड़े करते उनकी बात अलग, मैं तो उनकी बात करता हूँ जो भगवान राम के मूल्यों परंपराओं संस्कृति चिंतन जीवन को जीते की बात करते हैं। तो भगवान राम अगर उनके आराध्य पुरुष हैं तो फिर उनके उनकी प्रेरणा और उनके जीवन को अपने जीवन उतारने के प्रश्न, तब तो बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। देखिए राम, भगवान राम का नाम लेना और भगवान राम का अनुसरण करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। भगवान राम का नाम तो सब लेते हैं, जो बीजेपी में है वो भी लेते हैं, जो बीजेपी में नहीं है वो भी लेते हैं, क्योंकि राम तो सबके आराध्य है। लेकिन राम का अनुसरण करना वो हर एक के बस का नहीं, और ना राम का अनुसरण कोई कर रहा है। और आपने खुद ही कह दिया कि जिन राम ने एक साधारण प्रजाजन के कहने पर अपनी पत्नी का परित्याग किया, अग्नि परीक्षा तो पहले ली थी, परित्याग कर दिया, और उस पत्नी का जिसके लिए उन्होंने किसी और जमाने में बहुपत्नी विवाह बहुत सारे राजा करते थे, उनकी उनके पिता खुद बहुपत्नी वाले थे, लेकिन उन्होंने नहीं रखा, उन्होंने कहा कि मैं एक पत्नी सीता को मानता हूँ, और उसके बाद उन्होंने उसका परित्याग किया और आजीवन उसके बाद भी विवाह नहीं किया। तो उन राम को मानने का दावा करने वाले अगर ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं तो आश्चर्य तो होगा ही आपको और हमको सबको, लेकिन इससे यह भी साबित होता है कि राम को मानना और राम का नाम लेना तो अलग अलग चीजें हैं। मेरी बात पूरी नहीं हुई, मैं जो आप बीच में आप ये प्रसंग ले आए, मैं ये कह रहा था कि ये बदली हुई बीजेपी है। एक जमाना था जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और बूटा सिंह उनकी सरकार में मंत्री थे, अदालत ने उनके ऊपर आरोपों का संज्ञान लिया था, केस कॉग्निजेंस लिया था, अटल जी ने उनका इस्तीफा मांग लिया था। अब विजय जी कह सकते हैं अटल जी 2004 में चुनाव हार गए, मैं भी कह रहा हूं कि इस्तीफा लेने के बावजूद चुनाव हार गए, नैतिकता तो ये तो इस देश के लोगों की नैतिकता पर भी सवाल है ना। ठीक है, कि जो अभी विजय जी ने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई हो जाएगी तो बीजेपी को बहुत फायदा हो जाएगा या नहीं होगी तो क्या नुकसान हो जाएगा, ये तो कहीं ना कहीं मतदाताओं की नैतिकता कि हम कितने नैतिक है, कि हमारे लिए मुद्दा ही नहीं है, ये प्रश्न ही है हमारे लिए, प्रश्न कुछ और हो जाएगा चुनाव के टाइम में, हम ब्राह्मण हो जाएंगे, हम ठाकुर हो जाएंगे, हम हिंदू हो जाएंगे, हम मुसलमान हो जाएंगे, हम दलित हो जाएंगे, पिछड़े हो जाएंगे, हम अगड़े हो जाएंगे, तो कहाँ से उसमें जो है ब्रजभूषण से वो पहलवान महिला पहलवानों की आवाज आएगी। ये प्रश्न जो है आशोष जी खाली बीजेपी का ही नहीं है, बीजेपी तो उसी हिसाब से एक्ट कर रही है जो उसको लग रहा है, कि जब कोई असर ही नहीं पड़ रहा। देखिए मैं जब एक चीज सुनिए, डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी, आज सड़कें सूनी है इस देश में, और इसीलिए जो है सरकार कोई भी हो किसी भी राज्य की हो वो अपनी मनमानी कर रही है, क्योंकि सड़कों पर कहीं कोई प्रतिरोध नहीं है। इसी मामले में जब प्रतिरोध था महिला पहलवानों के मामले में जब प्रतिरोध था तो दबाव बना, FIR हुई, FIR के बाद वो हुआ चाहे, लेकिन कार्रवाई तब भी नहीं हुई क्योंकि सरकार को लगता रहा कि प्रतिरोध ऐसा है कि कुछ चंद लोगों का है और चुनाव के टाइम में फिर तो बदल देंगे अपने हिसाब से। तो शुक्र मनाइया राम मनोहर लोहिया पहले पैदा हो गए, अभी होते तो FIR होती, जेल के अंदर होते, जमानत भी नहीं मिल रही होती, तो लोहिया जेल से नहीं घबराते थे। उनके इस बयान को संसद की अवमानना मानी गई होती और जेल से और उनकी पेशी हुई, छोड़ना चाह रहे लोहिया जेल चले जाते, लोहिया को जेल में जाने की क्या दिक्कत है, वो तो जेल में सबसे ज्यादा रहे, नहीं फिर ईडी का छापा भी पड़ जाता उनके पर। विजय जी आप बताओ, कुछ ईडी होना चाहता ही नहीं उनके यहाँ। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, ठीक बात है, विनोद जी जैसे विद्वान लोग जो बैठे हैं उत्कर्ष, मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी के चाल चरित्र चेहरा पर हम हमेशा बात करते रहते हैं, लेकिन एक बात को समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की राजनीति कैसे हुई, जिसको विनोद जी ने चरित्र हमारे सब लोगों के साथ जोड़ लिया, समाज के साथ भी जोड़ लिया, लेकिन राजनीति जो है केवल विनेबिलिटी फैक्टर पर आकर खड़ी हो गई है। और जो कहा जाता है कि यदि आप बदलना चाहते हैं, मान लीजिए बीजेपी का एजेंडा है कि इस देश को बदलना है, तो बदलने के लिए जरूरी है कि वो संसद में बहुमत के साथ रहे। अब आशुतोष जी के, विजय त्रिवेदी के, विनोद जी के, उत्कर्ष जी के कहने से
एक्शन ले ले और हार जाए तो फिर देश कैसे बदलेगा? तो देश को बदलने के लिए क्या महत्वपूर्ण करने चाहिए, क्या बड़े कदम उठाने चाहिए, वो महत्वपूर्ण बात है। और राजनीति में ये नहीं है ना कि अब उनका कुर्ता सफेद है तो उस पर एक छींटा लग गया तो आप उसी को देखकर सबको दिखा रहे हैं कि ये सफेद छींटा लग हुआ है। बहुत सारे लोग काले कुर्ते पहनकर बैठे हुए हैं तो उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। मैं आपके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, आपका तो काला रंग का टी शर्ट भी है। मैं तो खुद, मेरा रंग तो खुद का काले टी शर्ट से ज्यादा गहरा है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट द कलर, अदरवाइज लोग कहेंगे हम लोग देखिए नस्लवादी भी हो गए, हम लोग रेसिस्ट भी हो गए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इस बात को लेकर जो बात विजय जी ने कही पूरी गंभीरता के साथ, मुझे लगता है कि अगर पूरा चुनाव, पूरा लोकतंत्र अगर विनेबिलिटी पर आकर टिक जाए तो फिर वो लोकतंत्र कहां भी जाए इस पे प्रश्न खड़ा हो जाएगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।